हेलो दोस्तों, नमस्कार। आजकल हमारे देश में किसान आंदोलन कर रहे हैं। वह खुद नहीं जानते कि वह आंदोलन क्यों कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है। नेता लोग इनको भड़काने पर लगे हैं और ये भड़क रहे हैं। मैं बता सकता हूं कि 99% लोगों ने जो आंदोलन कर रहे हैं वह एक्ट पढ़ा भी नहीं होगा। वो जानते भी नहीं होंगे कि उसके अंदर क्या लिखा है और क्या नहीं, क्योंकि पहले तो बात यह है कि वो इंग्लिश में होगा। अब किसान इतना पढ़ा लिखा तो है नहीं कि वो इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट हिंदी में समझ सके, तो उसको पता नहीं है। जो नेताओं ने बता दिया इनके वही ठीक है। ठीक, तो ये पढ़ेंगे नहीं, इनको पता नहीं। और मैं कह सकता हूँ कि जो ये तीनों एक्ट हैं इनके नाम भी 90% किसानों को पता नहीं होंगे, परंतु आंदोलन कर रहे हैं। इनको मंडी में जब इनका माल बिकता है तब इनको आपत्ति होती है, और मंडी से बाहर बिकता है तब इनको आपत्ति होती है। अभी रबी की फसल का MSP बढ़ा है। क्या MSP बड़ा है? बड़ा बढ़िया MSP है आपका। जो फसल का जो रेट है वो 1% भी नहीं बढ़ा। MSP जो है, आप खुद सोचिए, 1960-65 में एक IAS यानी कि आपका जो DM होता है, IAS होता है, वो मुश्किल से 5 से 7 क्विंटल गेहूं अपनी तनख्वाह में 1 महीने खरीद सकता था, परंतु आज 200 क्विंटल गेहूं आपके खरीद सकता है। कितना बढ़िया MSP आपको पिछले 70 साल से दिया जा रहा है। ठीक, और कुछ होशियार लोग इन किसानों को मूर्ख समझ करके इनको मूर्ख बनाए जा रहे हैं। आइए एक हकीकत आपको बताता हूं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में और भी देश के अन्य प्रदेशों में गन्ना उगाया जाता है। उसको एक नकदी फसल माना जाता है, और ऐसा माना जाता है कि जिस एरिया में गन्ना पैदा होता है वहाँ का किसान जो है अच्छी स्थिति में होता है। परंतु उस गन्ना किसान की फसल का जो दाम है उसको 2-2 साल तक पूर्ण रूप से नहीं मिलता है। कहने को जो है गवर्नमेंट ने उसका रेट बढ़ा दिया, परंतु जब अगर वो 2 साल तक नहीं मिलेगा, उस पर कोई इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा, आपका लाखों रुपए का गन्ना एक मील के पास में रहेगा, तो आपको क्या मिला? बाबा जी का ठुल्लू। दूसरे, उस जो गन्ना समिति होती है उसका अध्यक्ष एक किसान होता है, और जिस दिन वो अध्यक्ष बनता है अगले दिन उसके चुतरों के नीचे एक स्कॉर्पियो आ जाती है, परंतु किसान वहीं का वहीं गरीब का गरीब रहता है। ठीक है, तो कितना बढ़िया विकास है। यानी कि जो जिसका दायित्व तो होता है कि वह किसानों की परेशानी को समझे और उनकी परेशानियों का निवारण करे, वह उन गन्ना मिलों में, जो गन्ना सोसाइटी का जो अध्यक्ष होता है, उन गन्ना मिलों में अपने लिए ठेकेदारी ढूंढता है ताकि उसको आय हो सके। मिल मालिक उसको ऑफर देते हैं, जनाब ये लीजिए स्कॉर्पियो, ये लीजिए XUV, आपके लिए है, और वो किसानों को भूल जाता है। मेरे विचार से उस गन्ना समिति में अंबानी या अडानी अध्यक्ष नहीं होता है उसका। कौन होता है ये सोचिएगा आप। आपका शोषण करने में लगा कौन है? जो भी गन्ना किसान नेता बनता है वह धनाढ्य हो जाता है, परंतु किसान वहीं का वहीं रह जाता है। और इसका एक एग्जाम्पल आपको मिल सकता है। एक बहुत बड़े किसान नेता उनको बताया जाता है, परंतु मैं कहता हूँ किसान नेता नहीं थे। आपने एक गांव का नाम सुना होगा, सिसोली, उसमें एक किसान नेता बने टिकैत सिंह। आज टिकैत सिंह के संतानों के पास में अरबों की प्रॉपर्टी है, परंतु सिसोली गांव के जो अन्य किसान है वो वहीं के वहीं है, बल्कि वो और गरीब हो गए हैं। ठीक है भाई, सुले जी महाराष्ट्र के जो मिस्टर शरद पवार हैं, उनकी बेटी करोड़ों रुपए का अकेले
खेती करती है, परंतु उनके बराबर वाला किसान जो है वो आत्महत्या कर लेता है। वो सुले अर्थात शरद पवार जी की बेटी अपने बराबर वाले किसान को क्यों नहीं बता पाती कि किस प्रकार से करोड़ों रुपए की इनकम होती है। वहीं पी चिदम्बरम जी गमले के अंदर करोड़ रुपए की गोभियां उगा लेते हैं, ठीक, परंतु किसान को नहीं बता पाते एज ए वित्त मंत्री होते हुए भाई खेती किस प्रकार से उगाई जा सकती है जिसमें करोड़ों की आमदनी हो। और आप लोग लगे हैं लठम लठ होने के लिए सरकार के साथ में। पहले मेरा कहना है वो गलत है एक्ट या सही है, मैं इसमें नहीं जाऊंगा, पहले आप उसको पढ़ें खुद से और तब आप इस प्रकार के आंदोलन में जाएं। मूर्ख ना बने, आपने पढ़ा नहीं होगा वह बिल क्या कहता है। अब आई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, भैया कोई जबरदस्ती आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा क्या कि नहीं भाई आप हमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आपको हमारे साथ में करनी पड़ेगी, मत करो, कौन बोलता है। ये नेता लोग आपको जेलों में ठुसवाएंगे, आपके बच्चों को मरवाएंगे, अशान से अपनी जिंदगी एक राजनीति किसी पार्टी में अपना स्थान बना करके अपनी जिंदगी और अपने बच्चों की जिंदगी बनाएंगे। होगा ये आपकी संसद और आपकी राज्यसभा में 90% किसान लोग ही सांसद हैं, नजरें उठा करके देख लीजिए आप। आप देखिएगा कि आपके एरिए का MLA, आपके एरिए का सांसद, आपके एरिए का जिला पंचायत सदस्य कौन है, व्यापारी है या किसान है, समझिएगा। थैंक यू एंड धन्यवाद।